वेलकम बैक टू माई चैनल एवरी वन। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी मांगती हूँ और अपने आप से भी सॉरी मांगती हूँ कि मैंने ये अपने यूट्यूब की जो प्रोसेस था उसको कंसिस्टेंट नहीं रखा। आई एम रियली सॉरी। मेरे बहुत से फ्रेंड्स एंड बहुत से रिलेटिव्स हैं जो डेली मेरे से पूछते हैं कि आपका व्लॉग कब आएगा, कुछ करो, कुछ डालो व्लॉग। यार कुछ बैलेंस नहीं था, अभी भी बैलेंस नहीं है, बट फिर भी मैं सोच रही हूँ कि इस जर्नी को मैं कंटिन्यू रखूँ, मैं ब्रेक ना लगाऊँ। तो आज है संडे और मैं सुबह नहा धो बैठी हूँ और आज हमारे घर पे आए हैं गेस्ट, कल के आए हुए हैं, कल शाम के, और वो गेस्ट से मैं आपको मिलाती हूँ। और आज संडे था तो हमने सोचा कुछ अच्छा ब्रेकफास्ट करते हैं। तो श्राद्ध भी चले हुए थे और बहुत ज़्यादा मन था, जो जो श्राद्ध में बनता है पूरी, आलू एंड वो खीर वगैरह खाने का, तो बाहर तो कौन ही खिलाएगा, खुद ही बनाना पड़ेगा, खुद ही खाना पड़ेगा। तो सोचा गेस्ट भी आए हैं तो उनको भी कर देंगे, भगवान को भी चढ़ा देंगे, पितर जी भी खा लेंगे। और तो चलो मैं आपको किचन में लेके चलती हूँ क्या क्या बना है और आपको गेस्ट से भी मिलाती हूँ। हमारे गेस्ट आ चुके हैं बड़ी ज़्यादा दूर से और इस गेस्ट से आप पहले भी मिल चुके हो। और ये हेलो अक्षरा दी आए हैं और हमारे शेफ जो हैं इस टाइम पूरी बना रहे हैं और इस शेफ को तो आप जानते ही होंगे। शेफ द्वारा पूरी डाली गई है कराटी में। दीदी इसको थोड़ा ऐसे से करिए। वाह 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 वाह, देखो हमसे अच्छा तो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं बन सकता, बट हम खाने लायक चीजें बना लेते हैं, है ना। पूरी फूल गई है, वो पूरी फूल गई है। क्या नहीं बना उसमें। आप हमारी कराटी आप देख सकते हो, ये कितनी ज़्यादा क्यूट एंड छोटी है, क्योंकि हमें इतनी ही ज़रूरत है इसकी। हमारी आलू की सब्जी रेडी है अपने हिसाब से, और यहाँ पे मैडम जी ने खीर ऑलमोस्ट रेडी है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अच्छा अच्छा खाने के लिए इस टाइम, तो भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगी है। तो देखो अब हम खाते हैं, पहले तो हम पूजा करते हैं फिर खाते हैं। हमारा भगवान जी का भोग रेडी है, अब हम जल्दी से पूजा करके भगवान को चढ़ाते हैं, अपने पितरों को चढ़ाते हैं और फिर खाते हैं। हमारी पूरी हो गई है रेडी, तो बस अब ये जल्दी जल्दी जाएगी पेट के अंदर। ब्रेकफास्ट हो गया है डन, हम बहुत खुश हैं अच्छा ब्रेकफास्ट करके। दीदी से भी पूछते हैं, दीदी आइए इधर आइए, कि आपको कैसा लगा ब्रेकफास्ट? बहुत टेस्टी अच्छा लगा। बिल्कुल हो गया। गर्ल्स विल बी गर्ल्स, ठीक है। तो अब हम रेडी हो गए हैं बिकॉज हम जा रहे हैं मार्केट, हमें कुछ सामान खरीदना है। हम तभी लड़कियां सारी इकट्ठी होती हैं। और सामान किस लिए खरीदना है? क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट हमारी जिंदगियों में आने वाला है और आप सब उस इवेंट को देख के बहुत खुश हो जाओगे। और हाँ, और हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और मैं ट्राई करूँगी कि मैं हर एक चीज़ को शूट करूँ, ब्लॉग करूँ और आप तक वो सारी एंटरटेनमेंट की चीज़ें पहुँचाऊँ। तो उस इवेंट के लिए रेडी रहना, वो अक्टूबर में ही है, एंड ऑफ द अक्टूबर है। तो उस इवेंट की तैयारियों के लिए भी हम जा रहे हैं मार्केट, तो चलो आपको मार्केट लेके चलते हैं। हम बन गए हैं जग्गा डाकू, मार्केट आ चुके हैं। वैसे तो हम चंडीगढ़ में मार्केट एक्सप्लोर कर चुके हैं, बट कई कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ हमने शोरूम्स हमने देखे थे खरड़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो कुछ चीज़ें हमें वहाँ मार्केट में नहीं मिली। तो अब हम कुछ उन शोरूम्स में जा रहे हैं, मैं पहले भी वहाँ विजिट कर चुकी हूँ पर वो रिकॉर्ड करने नहीं देते। आई विल ट्राई बिकॉज उनकी कलेक्शंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं और यूनिक होती हैं, तो हम बस वहीं जा रहे हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि श्वेता क्यों लड़ रही है यहाँ पे। जी को रोड क्रॉस करने नहीं आता है, अब इसको रोड क्रॉस करना पड़ा अकेले, इसलिए ये दोनों लड़ी जा रही हैं आपस में कि तुझे नहीं आता। ये आ गया है हमारा स्टोर, दैट इज स्टोरी। तो चलो चलते हैं अंदर। क्या बोलना चाहोगे? हमें ना एक्चुअली एक साड़ी पसंद आई और इनके पास कलेक्शन अभी तक ख़त्म हो चुकी थी, नई कलेक्शन हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद आनी थी। और एज़ मैंने आपको पहले कहा कि वो अंदर शूट नहीं करने दे रहे थे, उन्हें कहा कि वीडियोज़ आर नॉट अलाउड। सो कोई बात नहीं, अब हम नेक्स्ट आगे किसी और शोरूम देखते हैं। एक साड़ी पसंद आई थी, प्रदीप जी बोलते मेरे पास साड़ी के सारे कलर्स वैसे हैं, तो चलो देखते हैं कहीं और दूसरी शॉप पर आए हैं। चलो अंदर चल के देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं। दुकान पे भी जाने के बाद हम निराश हताश होकर बाहर आ चुके हैं। अब हम तीसरी शॉप को ढूंढने जा रहे हैं जहाँ पे हमें कुछ अच्छा मिल सके। शायद ही कुछ पसंद आए। कुछ एक चीज़ें डाई करवानी थी वो दे दी हैं, अब चलो देखो क्या बनता है। जनता को तीसरी दुकान पे भी कुछ भी पसंद नहीं आया है। अरे सुनो, तो अब पता नहीं आगे कोई शोरूम होगा या नहीं, या कोई स्टोर होगा या नहीं, चलो देखते हैं क्या बनता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट लगी पड़ी है, हम दोपहर के टाइम आए तो इतना रश नहीं, अदरवाइज़ यहाँ बहुत होता है, हम ऐसे आते नहीं हैं यहाँ पे, बहुत रेयर आते हैं, पर चलो हमने सोचा एक्सप्लोर किया जाए।
अभी चल रही है इन लोगों की शॉपिंग, जो कि कभी नहीं ख़त्म होने वाली। दूसरी शॉप पे आ चुके हैं, दूसरी तीसरी चौथी आई डोंट नो। अब यहाँ पे भी कॉन्वर्जेशन चल रही है, श्वेता को एक चीज़ पसंद आई वो दीदी को नहीं आ रही है और ये लड़ रही है कि दीदी वही लो, दीदी कहते नहीं लूँगी। अब देखो क्या बनता है। हमें फाइनली हमने ये जस्ट क्लोथ हाउस खरड़ से कुछ शॉपिंग कर ली और इनके पास कलेक्शंस जेन्युइनली बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो आप भी खरड़ के निवासी हैं, अगर खरड़ की ऑडियंस यहाँ देख रही है तो मार्केट के अंदर शॉप है ये इनकी, ठीक है, जस्ट क्लोथ हाउस, यहाँ पे आइए और ज़रूर यहाँ पे विज़िट करिए। हमारा काम हो चुका है और हम थक चुके हैं, हमने कुछ खाया भी नहीं है, तो हम कुछ खाने हंस लो तो हम अब कुछ खाते हैं, हम जा रहे हैं कुछ खाने। हाँ हाँ यस, चलो कुछ खाते हैं, देखो क्या खाते हैं। देख सकते हो आप आगरा चाट भंडार में हम खाने आ गए हैं दही भल्ले। भूख काफ़ी ज़्यादा लगी है तो जस्ट थोड़ा सा यू नो स्टार्टर है ये, आप भी खाइए। कल देख सकते हैं इसको इतनी भूख लग रही है कि इसको इतने तगड़े तरीके से देख रही थी, बट अब यहाँ डाल दी अंकल ने चटनी। कौन सी चटनी अंकल जी? ये कौन सी चटनी है? इमली मीठी। ओके, ये ग्रीन ग्रीन, और ये दही, yes. और ये प्याज, और यहाँ हमारी हमारी नहीं थी, ये बेइज्जती हो गई। मुझे लगा कि ये हमारे पास आएगी और ये उम्मीद लगा के बैठे थे, बट ये चली गई उनके पास, कोई बात नहीं। आई थिंक ये वाली अपनी वाली रेडी हो रही है। ओके ठीक है, खरीद लेती हूँ। क्या फ्रूट्स के प्राइस पूछते हैं क्या है क्या नहीं? शॉप पे गई थी, इतने महंगे फ्रूट्स, इतने ज़्यादा महंगे फ्रूट्स, पर ले लिए फ्रूट्स। चप्पल वाली शॉप पर बैठे आप पंजाबी जूतियों की शॉप पर, चलो देखते हैं इनको पसंद आता है, इनके साइज मिलता है या नहीं। वैसे इनका साइज जो है वो बच्चों वाले डिपार्टमेंट में मिलता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। चलो देखो क्या पसंद करते हैं। नहीं, कोल्हापुरी चप्पल पसंद आई है और दीदी को ये वाली चप्पल पसंद आई है और उसको कोल्हापुरी चप्पल पसंद आई है। ये लेगी कुछ भी नहीं मुझे पता है, पर ये ट्राई ज़रूर करेगी। बहुत सुंदर, अच्छी लगती है यार, ये कोल्हापुरी चप्पल होनी चाहिए, बहुत सुंदर है। सारी जूतियाँ देखने के बाद भी दीदी को नहीं पसंद आ रही है, कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, आ रहा है तो साइज़ नहीं आ रहा, साइज़ जेन्युइनली बहुत छोटा है। अब देखो हम कुछ पसंद करते भी हैं या नहीं। इन सहेलियों ने सामान ले लिया है, डाल लिया है बैग में और अपने कैब कर दिए, तो घर चलते हैं अब यार, फिर डिनर करते हैं, काम करते हैं, बहुत काम करना है। फाइनली हम रूम पे पहुंच चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। आज आपने सारी दिनचर्या तो हमारी देख ही ली, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये दिनचर्या पसंद आई होगी। और मैं इस ब्लॉग को जितना जल्दी एडिट कर सकूं उतना करने की कोशिश करूंगी, बिकॉज टाइम जेन्युइनली नहीं लग पाता है और फिर डिले 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 होते हैं, बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। तो जितनी जल्दी ये ब्लॉग आएगा उतना ही अच्छा मेरे लिए होगा ये चीज़। तो आप सब बाय कर दो प्लीज़ यहाँ पर आके, सब बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग। और दीदी को हम भी मिलते रहेंगे, बहुत सी सारी चीज़ें होने वाली है, हम शिफ्ट भी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा काम अभी सर पे है इस टाइम। हम नई से नई चीज़ करने की, हाँ तू बोले, नई से नई चीज़ करने की हम ट्राई करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अभी हम डिनर करते हैं, फ्रेश होते हैं सबसे पहले, फिर डिनर करते हैं, फिर इसको एडिट करते हैं अगर टाइम लगा तो, फिर पढ़ते भी हैं, बहुत कुछ करना है। तो बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिए और इसकी शक्ल देखिए, स्टे ट्यून्ड, ठीक है, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टाटा। दीदी की बात सुन लो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, बाय बाय।